बाहुबली फेम एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया हैदराबाद के हिमायत नगर में एक ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन के लिए पहुंची थीं। इस दौरान एक सिरफिरे ने उन्हें निशाना बनाकर जूता मार दिया। हालांकि एक्ट्रेस को नहीं लगी और शॉप के एक कर्मचारी को लग गई। तमन्ना भाटिया जब शॉप की ओपनिंग कर रही थी तभी 31 साल के एक व्यक्ति ने उन पर जूता फेंका। पुलिस ने बताया कि अभिनेत्री पर जूता तब फेंका गया जब वो अपने फैन से गिरे हुई थी। उन्होंने बताया कि जूता स्टोर के एक कर्मचारी को लगा। नारायणगुड़ा थाने के इंस्पेक्टर बी रविंद्र ने कहा कि बीटेक में स्थानक और मुशीराबाद के रहने वाले करीम मुल्ला ने तमन्ना पर कथित रूप से तब जूता फेंका जब वो स्टोर से बाहर आ रहे थे। इंस्पेक्टर ने बताया कि करीम मुल्ला को तुरंत हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ में उसने बताया कि वह तमन्ना की पिछले दिन आई फिल्म में उनके अभिनय से नाराज था। उन्होंने बताया कि जिस कर्मी को जूता लगा था उसकी शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। तमन्ना ने हिंदी, तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनीवन न्यूज़।